सोनपुर मेला में और यहाँ पर एक अचार के दुकान पे हम लोग आए हुए हैं। चलिए जानते हैं कि अचार का क्या रेट है, भैया कहाँ से आए हैं, कितने साल से अचार का व्यवसाय कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? रवि कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? साहेबगंज झारखंड। साहेबगंज झारखंड जी। अचार का व्यवसाय कब से कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। सोनपुर मेला में कब से आ रहे हैं? ये हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से जी। और बताइए यहाँ पर अचार का क्या क्वालिटी है? अचार तो हमारे पास बहुत प्रकार की है। बहुत प्रकार की है जी। बताइए जैसे मैं जैसे ये, आप ये कौन सा अचार है? ये लहसुन का हो गया। लहसुन का कैसे केजी है? ये हम लोग मैक्सिमम कम से कम 40 रुपया प्राइस है इसका। 40 रुपया 250 ग्राम। 160 रुपये किलो जी लहसुन का। और ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर ये इसे 12-13 आइटम मिला हुआ है। 12-13 आइटम मिला हुआ है। कैसे है ये केजी? 120 रुपये केजी बेचते हैं। 120 रुपये केजी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अचार का बहुत सारा वेरायटी है इनके पास और 10 साल से व्यवसाय कर रहे हैं अचार का। और ये सामने कौन सा अचार है? ये बांस का कॉपर। बांस का कॉपर जी हाँ। अच्छा तो आप बांस के कॉपर से बना हुआ है? जी हाँ। अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे अचार दिखाइए, ये अलग अचार है और ये आम का अचार है। जी हाँ ये आम का हो गया। आम का अचार कैसे केजी है आपके पास? ये पौवा 30 बेचते हैं, 120 रुपये केजी। पौवा 30 और 120 रुपये केजी आम का अचार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी अचार लेना हो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप ये बताइए कि सोनपुर मेला में आपका 2022 में कैसा चल रहा है? ये तो अभी उतना खास नहीं चल रहा, फिर भी मोटा मोटी ठीक है। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं खास नहीं चल रहा है? मतलब औसत दुकानदारी अभी नहीं है। अच्छा कोरोना के लेकर के जो है ना थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना को लेकर स्थिति कमजोर हो गई है और लोगों का जो पैसा जो बचा हुआ था वो पैसा भी निकल गया है। अब बहुत ही कम पैसा बचा हुआ है लोगों के पास, तो इसलिए यहाँ पे व्यवसाय जो है भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन व्यवसाय नहीं चल रहा है। हाँ ये सही बात है। अच्छा तो उम्मीद है कि अगला साल अच्छा से चलेगा? हाँ अगले साल तो बहुत बढ़िया रहेगी, ये बात सही है। लेकिन इस बार लॉस नहीं ना होगा? लॉस तो होना नहीं चाहिए लेकिन उम्मीद रखे हैं। देखिए उम्मीद रखे हुए हैं। हाँ लॉस नहीं होगा, कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं हम लोग स्टाफ हैं। स्टाफ है? अच्छा तो आपका वहाँ पे कोई दुकान उकान भी है साहेबगंज? हम लोग का अपना वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, कारखाना, आप लोग अपने से माल तैयार करते हैं। कारखाना है। अगर कोई लोग चाहे घर बैठे डिलीवरी तो घर बैठे डिलीवरी हो सकता है? एकदम घर बैठे डिलीवरी करवा सकते हैं। हाँ तो उसके लिए अपना नंबर दे दीजिए ताकि कोई लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है आपको नंबर मिल जाएगी? नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं घर बैठे। किसी भी तरह का अचार, किसी भी तरह कोई भी प्रकार के अचार हो आपको अचार मिल सकता है। कितना प्रकार के? 32 प्रकार के अचार। 32 प्रकार के अचार इनके पास है। शादी विवाह पार्टी फंक्शन कहीं भी अचार आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अचार के लिए जरूर संपर्क करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन एक बार उससे पहले निवेदन है कि जरूर इनसे अचार के लिए आपको संपर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।